The first point is he explained about the bell curve. What is Bell curve? Bell curve is known as also normal distributions or a shape like a ball. Normal distribution, it's a statistical distribution. How will we? See your basement, we already discussed the baseline. This is the baseline. The curve, this is called the mean, and the curve is like this. Okay. Normal distribution means both side it will be equal.

इसको न, आ, कै, कैसे हम समझते हैं जैसे रिसर्चर का नाम ले रहे थे ए रिसर्चर ए इधर एक रिसर्चर है बी रिसर्चर ए के ए कोई भी हो आदित्य हो आकाश हो और बी मतलब बाबुल हो या बी मतलब विजय जो भी है और विकास सो ए रिसर्चर ही इज डूइंग स्टडी ऑन थर्टी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल इन ए स्कूल डूइंग स्टडी ऑन थर्टी स्टूडेंट ही इज फॉलोड सम मेथड्स मेथड्स एंड ही गॉट रिजल्ट आउट ऑफ थर्टी

ठीक है एक घंटा पहले एक घंटा बाद ऐसा कर सकते हो आप ठीक है उसी बच्चे को ऊपर स्टडी किया वो भी फॉलो किया सेम मेथड ओके उसका भी रिजल्ट आया लगभग दस या ग्यारह कि दस बच्चे बहुत अच्छा है या फिर ग्यारह बच्चे बहुत अच्छा है तो इसमें क्या हो रहा है इट विल भी

ट्रस्ट हिम हम उसको विश्वास कर सकते हैं है, वो अच्छा है सो रिलाइबिलिटी ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्डोक रेट और दैल्यू रेट वेलिटी रेट ओके दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दट सो रिलाइबिटी मतलब हमको समझ में आ गया so, जो ट्रस्ट है विश्वास जो Uh, कोई एक स्टडी कर रहा है रिसर्च कर रहा है उसका रिसर्च कितना है मतलब विश्वास कर सकते हम किसी और बी तो so, ने, ने भी वही सेम दिखाया कि दस बच्चे ने इधर अच्छा किया तो यह दस से ग्यारह कुछ डिफरेंस हो सकता है पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स रिलायबिलिटी मतलब यू कैन

थ्री पॉइंट सेवन जो भी है इधर क्या बोला गया उसका एग्जाम्पल क्या बोला कंटिन्यूस वेरिएबल इज हाइट टाइम ठीक है वेट अब ले सकते हो जो आपका वेट है सो so, हाइट कितना हो आपका सेवन पॉइंट फाइव हो सकता है ठीक है थ्री पॉइंट सिक्स हो सकता है जो भी हो सकता है आपका टाइम क्या हो सकता है टाइम जैसे थ्री पॉइंट फिफ्टीन और नाइन पॉइंट टेन सो दिसक्शनल वैल्यू फ्रैक्शनल

किसी भी एग्जाम हो आपका नेक्स्ट एग्जाम हो या फिर आपका पीएचडी का कोर्स वर्क हो या आप किसी को गाइड करना चाहते हो दिस विल बी वेरी यूजफुल ठीक है बहुत यूजफुल होगा आपका नाउ नेक्स्ट आंसर दी रेंज रेंज मतलब इधर से इतना तक जिसे है एक ग्राउंड है ठीक है फुटबॉल ग्राउंड है यहां से इतना तक कितना किलोमीटर है लगभग मैं हमने पकड़ लिया क्या एक सौ पचास मीटर है एक सौ पचास मीटर ठीक ठीक है है जो भी और तो कैसे बात करते हम हम सी कोई एक distribution है वैसे बात कर चुके हैं ऐसा है डिस्ट्रीब्यूशन है हाइस्ट एंड लोएस्ट स्कोर हाई स्कोर कितना है लोएस्ट स्कोर कितना है एक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने निकलता है किया वन सिक्स एट टेन ठीक है उसका जो हाइस्ट वैल्यू कितना है हाइस्ट वैल्यू है टेन लोएस्ट वैल्यू है वन सो द डिस्टेंस मतलब टेन माइनस वन इज इक्वल नाइन तो इसका बन जाएगा आपका नॉर्मल रेंज सो रेंज इज दिस मच नाइन सो यार इज अ क्वेश्चन आज अगर पूछा जा सकता है तो उसका रेंज कितना है द रेंज इज नाइन सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम हाइस्ट टू लोएस्ट वैल्यू बड़ा से छोटा ज्यादा से कम टोटल जो है मतलब स्टार्ट टू एंड सी स्टार्टिंग टू एंडस्ट वैल्यू तो आपको समझ में आया होगा आगे रैंडम सैंपलिंग पहले हम बात कर चुके रैंडम रैंडम मतलब बाय चांस बाय चांस मतलब सभी को सेम चांस है सिलेक्ट करने के लिए और सिलेक्ट हो जाने के लिए क्या बोला गया रिप्रेजेंट पॉपुलेशन ईच मेंबर एन इक्वल चांस फॉर इंक्लूजन मतलब लेक्शन ठीक है रेंडो वाइज कुछ भी कर लो बाई चांस जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था किसका बहुत सारे बॉल है रेड ग्रीन ब्लू एंड वाइट एक बैग के अंदर है ठीक है आपको बैग से निकलना पड़ेगा आपका आंखें बंद है तो आपको क्या होगा कोई एक बॉल भी आ सकता खाद red, green, blue, white, eyes, है आपके हाथ में एनी बॉल कैन बी चूजन बाई यू इट मे बी रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट एनी थिंग्स सभी को पास इक्वल चांस है इट्स फेयरली रिप्रेजेंट इट्स नॉट एनी रॉन्ग चॉइस ये गलत नहीं है सभी को इक्वल मौका दे रहे हो ठीक है आंखें बंद करके अब आंखें बंद करके बैग में हाथ डाल रहे हो कोई भी आ सकता है ठीक है सो इसको बोला जाता है इक्वल चांस फॉर इंक्लूजन मतलब इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इंक्लूसन मतलब आपका जो रिसर्च है उसके अंदर आपको लेने के लिए तो इस सभी का चांस है कि वो आपको आपका रिसर्च में आए और आपका रिसर्च का एक पार्ट बने सभी का चांस है पर आप किसी एक को ले सकते हो चाहे आप चांस यू कैन चूज दिस वन कलर में आंखें बंद है मतलब कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा ठीक है जैसे है कोई हंड्रेड रुपया फॉल्ट इन सम्राम इन मेला और एनी सम थिंग फेयर और एनी फेस्टिवल इज गोइंग ऑन गैदरिंग ऑफ थाउजेंड पीपल ओके हंड्रेड रुपया गिर गया किसका Uh, आपका गिग गिर गया पॉकेट से तो उधर चांस कि आपने माइक में अनाउंस कर दिया यू यूंस इन माइक गेट्स हुई रुपीज प्लीज रिटर्न इट बैक ओके तो उसमें क्या होगा उसका जो हजार आदमी है बैट है जो पूजा और जो फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं सभी के पास इक्वल चांस है हंड्रेड रुपीज मिलने का ठीक है कि ओनली बुढ़े को मिलेगा ओनली ओल्ड पर्सन विल गेट यंग ओन गेट और यंग विल गेट लेडी विल गेट दैट कैन नो स्पेसिफिकेशन कुछ है नहीं किसी को भी मिल मिल, मिल सकता है ठीक है दिस इज कॉल्ड दी रैंडम सैंपलिंग सो सभी को इक्वल चांस दिया जाता है शरीर के अंदर आने के लिए ठीक है सभी को इक्वल चांस दिया जाता है एक सौ रुपया किसी को भी मिलना चाहिए मतलब बच्चों को मिल भी सकता है गुरु को हर किसी को मिल सकता है दिस इज कॉल्ड दी रैंडम सैंपलिंग प्लीज अंडरस्टैंड ठीक है समझते जाओ और अपना नोट बनाते जाओ नाउ का इज अ वन वर्ड इन यू विल गेट इन योर कम्युनिकेशन ऑल्फो

नो 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 यू वोट से बाई याउथ यूर फिंग नो नाउ नॉट लेट ओके बॉडी मूवमेंट दम्युनिकेशनिस आपको हाथ के पैर वगैरह करके सिर घुमा के जो भी आप करते हैं उसको बोला जाता है बॉडी मूवमेंट से उसको बोला जाता है क्या बोला यार द्जामिन कम्युनिकेटेड थ्रू बॉडी मूवमेंट बॉडी मूवमेंट को देख के जो हम रिसर्च करते हैं बॉडी मूवमेंट जैसे हम बोलते हैं बोल है, एक क्लास चल रहा है ठीक है क्लास के अंदर किसने बात किया क्लास चलते, चल रहा है उसके दौरान टीचर ने सवाल पूछा तो किसी ने आंसर नहीं, नहीं, नहीं दिया तो हम क्या करते हैं बॉडी मूवमेंट ओके हुटिंग टेंशन स्ट्रेस वॉट इज डूइंग मीन्स बॉडी मूवमेंट गेट्स चेंज ओके सोएट विल कम इन इज माउथ ओके सो मूवमेंट विल बी और ही ट्राई टू की kinesis, body movement. So we can do research also. Okay. In some places, what happened when the political leaders, Modi or Rahul Gandhi, okay, when they give speech, some person may throw the stone also, stone or any other things, paper. So who thrown that to identify, to research that? What we should do the look the body movement. We need to look because there is no person to there will be more than 10,000 people together. हाउ कैन यू अंडस्टैंड कैसे आपको पता चलेगा उधर कौन फेंका है कौन किसने किया किया चप्पल फेंक दिया किसी ने ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं बॉडी मूवमेंट का रिसर्च करते हैं सर्वे रिसर्च सर्वे मतलब बहुत पॉपुलेशन है एक हजार दो हजार चार हजार तो उस पर आप तो जाके नहीं कर सकते कुछ उस पर सैंपल से भी बहुत है तो आपको कुछ क्वेश्चन देना पड़ेगा सर्वे करना पड़ेगा सवाल पूछना पड़ेगा जैसे हम करते हैं कि आप ओपिनियन पोल ओपिनियन पोल वोट में ओके ओपिनियन पोल सो एक्चुअल परसेंटेज ऑफ ए क्वेश्चन एरर कंप्लीटेड एंड रिटर्न बाय सब्जेक्ट्स बाय जी सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स है सैंपल है वो उसको क्वेश्चन मिला उसने फील किया उसने रिटर्न भी किया तो तीन चीज किया उसको मिला रिसीव रिसीव फील्ड एंड रिटर्न ओके इज थ्रेथिंग रेस्पॉन्स रेट सो आपका रेस्पॉन्स रेट है इतना जैसे आपने दिया क्वेश्चन कितना 100 लोगों को 100 लोगों को आपने क्वेश्चन बांटा इन ए मॉल फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू दॉल द सेलिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो so, इसके लिए क्या किया आपने एक लोगों का सर्वे किया एक लोगों को क्वेश्चन आंसर दिया एक सौ में से हर कितने फिल करेगा क्या नहीं करेगा बोला नहीं टाइम नहीं है वो चला जाएगा बाहर ठीक है तो अस्सी लोगों ने फिल किया फिल करने के बाद किसी ने आपको दिया ही नहीं घर लेके चला गया ऐसा बहुत सारे भी होगा उससे कॉल आया कुछ आया वो चला गया बिजी है तो उसमें से एक सौ में से असी ने फिल किया और आपके हाथ में आया कितना बहुत लोग घर चला गया कुछ हुआ आपका कुछ काम हुआ आपने थोड़ा बाहर चला गया वो लोग फिल कर रहे थे आधा घंटा तो आप उस टाइम में आपका कुछ कम था आपने कुछ किया, तो आपका हाथ आया चालीस सो रिसीव सो वॉटन आउट ऑफ हंड्रेड सो दिस नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टी टेस्ट दिस इज कॉल्ड एज parametric टेस्ट parametric टेस्ट लास्ट क्लास में हम बात किए थे किसका बारे में

ठीक है, जो एक नॉन पैरामेट्रिक स्टेट है टेस्ट है और टी टेस्ट क्या है? A statistical test. है दो ग्रुप में ठीक है दो ग्रुप है जैसे हम बात कर ले ग्रुप 1 ग्रुप ए ग्रुप बी ठीक है ऑन सेम हियर वेरिएबल्स हमने रख दिया क्या जैसे बीपी इधर भी बीपी है ठीक है दो ग्रुप में क्या चेंज हुआ बिफोर द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट ठीक है इधर वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल वेरिएबल एक ही है बीपी है कंट्रोल ग्रुप ठीक है ग्रुप ए ग्रुप बी इधर भी आप देख रहे हो बीपी को इधर भी देख रहे हो बीपी को आफ्टर द ट्रीटमेंट बिफोर द ट्रीटमेंट ठीक है दोनों ग्रुप सी टू ग्रुप्स हाउ डिफर्स और कैसे अलग अलग है ऑन ए सेम वेरिएबल इज BP is this very means which can get sent. So, we are doing study. Remember, keep the points in your mind. Chi square test we use for which purpose? To understand the ratio between two things, expected ratio and present ratio. Two things. And it's a non parametric test, chi square. And the t test is the parametric, it has some particular parameter. सेम वेरिएल बीर इन टू ग्रुप ग्रुप ए ग्रुप बी मीन एक्सपेरिमेंटल रिमेम्बर सी दी टी टी लेटमी कलर यू कैनस्टैंडी T is two lines, one and two. Okay. Two means there will be two groups. One group, another group, two groups. It has some boundary, you see. Boundaries means the boundary, it is not for your understanding purpose, I am telling here. A boundary, you cannot go out of that. Okay. And same variables will be there in two groups. One variable will be there, and you understand the difference between two. Okay. एग्जाम्पल पर क्या देख लेते हैं टू डिटरमाइन वेदर द राइटिंग एबिलिटी स्टूडेंट्स इन टू टेस्ट दो क्लास रूम है क्लास ए क्लासरूम इज बी ठीक है वर्ड इज कॉल्ड हाँ हैंडराइटिंग एबिलिटी हैंडराइटिंग एबिलिटी इज द सिंगल वेरिएबल्स दोनों क्लास में हैडराइटिंग हैंडराइटिंग एच आर

क्या समझ आया टीटेजिस्टिकल टेस्ट इट कैन बी इसको हम क्या यूज कहा सकते हैं दो चीज में जहां पर वेरिएबल्स सेम हो इन टू ग्रुप्स मीन एक्सेंटल ग्रुप एज वेल एज कंट्रोल ऑन ए सेम वेरिए

so this is the third class we're talking here if you have not seen the first two classes, jayo please dekho and main a hai note banate jao without note nothing going to happen make your own notes by looking the video if you do not understand you can ask me and you can do uh, you can watch the video continuously so name is Amyadas and we are giving treatment or the uh, lesson for Research aptitude paper 1 we already completed ict you can go for that you can watch there and our channel is yogadhi ट ऑल्सोर प्रिपेयरिंग फॉर योगाफिकेशन इस मेल से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और यू कैन कमेंट भी ऑल्सो इसका जो प्रियसो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है तब तक के लिए बाय बाय है